सतना में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आनंद पांडे के नेतृत्व में छात्र छात्राओं की विभिन्न मांगों को लेकर श्वासासी महाविद्यालय का घेराव किया गया। महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सीएसपी एवं टीआई समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान छात्र छात्राओं की पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आनंद पांडे सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया, जहां उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। बाद में सभी को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। छात्र नेता आनंद पांडे ने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर पहले भी प्रशासन को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन छात्र हित में यह प्रदर्शन किया गया, ऐसे में मांगे पूरी नहीं की जाती तो पुनः प्रदर्शन किया जाएगा। उनका ग्रेस मार्क्स वगैरह को लेकर के तालाबंदी करने जा रहे थे, उन्हीं लोग के जो एनएसयूआई के नेता थे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है और उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या क्या मांगे होंगे? उनकी मांगे थी कि हमें ग्रेस मार्क दिया जाए, तो हमने कहा, उन लोगों ने कहा कि भाई जो आपकी यथोचित मांगे हैं उसका ज्ञापन दे दीजिए। वो ज्ञापन नहीं दे रहे थे, वो उसमें गेट में तालाबंदी कर रहे थे।